जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें और साथ में जो बेल के आइकन है उसको भी दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियोस है आप तक सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक, खैर खैरियत। उम्मीद करता हूँ कि खुश हो का जहाँ कहीं भी हो। मैं हूँ हारिस खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हारिस खान ऑफिशियल। आज के जो टॉपिक मैं लाया हूँ या जो मैं अपडेट आपके लिए लाया हूँ, जस्ट 10 hours या 10 घंटे पहले आज ही रात क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, नहायत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आप सब लोगों का इंतज़ार था इस चीज़ का और आप सब लोगों की ख्वाहिश थी कि भाई ये निकल जाए ताकि हम अपनी आप व्हाट्सएप को जो क्या है लॉक कर सके। व्हाट्सएप ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है, ऑफिशियली अभी 10 घंटे पहले ऑफिशियली रिलीज़ किया है एक अपडेट। मैंने ख़ुद भी अपडेट किया, मैंने चेक भी किया, उसके अंदर एक ऑप्शन निकाला है अपनी व्हाट्सएप की तरफ से कि आप क्या कर सकते हो, अपनी व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हो। यानी कोई भी आपका जो मैसेजेस है, जो प्राइवेट मैसेजेस है, जो कुछ भी है और किसी के साथ भी है, वो कोई भी नहीं देख सकता। इसके बाद आप अपनी व्हाट्सएप को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था कि आपकी व्हाट्सएप ओपन थी, स्पेशली आईफोन डिवाइसेस में या आईपैड में, तो उसके लिए कोई फ़ीचर ना थी कि आप उसको लॉक कर सकें और कोई बंदा भी उसको आपने मोबाइल को उठा के देख सकता था। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपका भाई हो या फिर आपकी पेरेंट्स हो या आपकी सिस्टर हो, जो कोई भी हो, या इवन आपकी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या हुआ है, बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप पे जो प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन लोगों के लिए कि अब आपकी व्हाट्सएप के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी बंदा उसको देख नहीं सकता आपके परमिशन के बगैर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने तकरीबन 2 दिन में बनाया है, यानी 2 दिन बाद मैं इसको बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी टॉपिक आपके लिए लाऊँ या कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, आप अपनी वक्त ज़ाया करते हो, अपने टाइम ख़राब करते हो मेरी वीडियो को देखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 5 मिनट मान लो, 5 मिनट, 10 मिनट का या 12 मिनट का वीडियो, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं फजूल चीज़ों पे वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है, ये मेरा मिशन है। मैं कुछ ऐसी चीज़ निकाल के लाऊंगा टेक्नोलॉजी के अंदर से कि आपको फ़ायदा मिले उससे, वो भी उर्दू लैंग्वेज में, और दूसरी लैंग्वेजों में भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, देखते हैं कि क्या फ्यूचर है। वो व्हाट्सएप के अंदर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अगर आपकी व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आप उसको अपडेट कर लो। ठीक है दोस्तों, अपनी व्हाट्सएप के अंदर जाके उसको क्या कर लो, उसको अपडेट कर लो। ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है या गैलेक्सी है, कोई भी डिवाइस है, अपडेट कर लो, क्योंकि ये फीचर अपडेट व्हाट्सएप में आया है। मैंने कहा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 10 घंटे पहले व्हाट्सएप ने एक अपडेट रिलीज़ किया है कि उसमें ये फ़ीचर आया है। तो अगर आपके पास ओल्ड व्हाट्सएप है या आपने अपडेट नहीं किया अभी तक, तो ये फ़ीचर आपको दिखाई नहीं देगा, फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, आपको पहले अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करते हैं, जाओ अगर आपके पास गैलेक्सी है या एंड्रॉयड डिवाइसेस है, जो कुछ भी है, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अपनी ऐप स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर लिख दो व्हाट्सअप, तो आपके सामने व्हाट्सअप आएगा। तो आपने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उधर आपको अपडेट का जो निशान है आपको दिखाई देगा, उस अपडेट के ऊपर क्लिक करना, आपकी व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है, मेरे जैसे कि मेरे पास है आईफोन है या आईपैड्स है, मेरा मतलब है एप्पल डिवाइसेस है, ठीक है दोस्तों, तब भी यही तरीका है। आप अपनी ऐप स्टोर में जाके व्हाट्सएप लिख देना, वहाँ पर आपको अपडेट दिखाई देगा, अपडेट के ऊपर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, या अगर ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको आईफोन में दिखाऊँगा, गैलेक्सी में भी सेम है, ऐप स्टोर में आप जाके, ठीक है दोस्तों, ये वाले आपको दिखाई देगा ऐप स्टोर। ठीक है, ऐप स्टोर में क्लिक करना है, ठीक है, कुछ वेट करना है ताकि ये लोड हो जाए, एक मिनट दोस्तों, मेरी ये जो नेट है ये भी दिन के वक्त थोड़ा बहुत स्लो होता है, तो देखते हैं अगर ये हो गया यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपडेट कर दोगे। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर सका तो कोई मसला नहीं, आप अपने आप अपडेट कर लो, उतना तो समझ आ चुका होगा आपको कैसे अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार और ट्राई मारता हूँ, देखो दोस्तों, ये मेरी ऐप स्टोर है, यहाँ पर नीचे आपको देखो टुडे गेम्स ऐप्स लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या है अपडेट्स, आप अपडेट्स के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आके आपने इस ऐप्स में व्हाट्सएप
जो क्या है ढूंढना है, जब आपने व्हाट्सएप को ढूंढ लिया तो क्या है उसके ऊपर क्लिक करना, जैसा कि आप राइट पे आपको दिखाई देगा ईच एप्लीकेशन के साथ, जैसे फेसबुक पेज मैनेजर है ओपन है, ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप अराउंड ओपन है, मैसेंजर ओपन है, यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा व्हाट्सएप अपडेट यहाँ पर दिखाई देगा, फिर अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि मेरा हुआ है। तो ये मेरी अपडेट व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको लॉक करना है। सेटिंग में जाना है दोस्तों, ठीक है, सेटिंग के नीचे थर्ड ऑप्शन है, आपको अकाउंट दिखाई देगा जो चाबी की निशान है, वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपकी पहली वाली जो ऑप्शन है प्राइवेसी देखा हुआ है, ये पहली पहली वाली, ठीक है दोस्तों, प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे आपको आना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आखिर या लास्ट वाली जो है स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। अब स्क्रीन लॉक के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ये देखो आपके सामने है रिक्वायर टच आईडी, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा आपके सामने, इसको ऐसे ही ऑन करना है। अगर गैलेक्सी भी हो, गैलेक्सी में भी ऐसे होता है, लेकिन गैलेक्सी में एक और फीचर भी है, मैं जब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वहाँ आप अपनी जो व्हाट्सएप है वो उसको पिन कोड या पासवर्ड से भी लॉक कर सकते, लेकिन आईफोन में वो ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ अंगूठे से या अपनी फिंगर से लॉक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये नहायत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिन कोड या पासवर्ड कोई भी हैक कर सकता है, लेकिन अंगूठे को कोई हैक नहीं कर सकता या फिंगर को, ठीक है, जब तक आपकी अपनी फिंगर ना हो कोई दूसरा बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा और कमाल का फ्यूचर निकाला है व्हाट्सएप ने, और बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी इंतज़ार था कि भाई कब ये फ्यूचर आएगा व्हाट्सएप में या दूसरी वाइबर दूसरी जो एप्लीकेशन में उसमें भी, लेकिन फ़िलहाल व्हाट्सएप में आ चुका है, आप यूज़ कर सकते हो, निहायत इम्पोर्टेंट फीचर है दोस्तों, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मोबाइल जो है चोरी हो जाता है और आपकी व्हाट्सएप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, बैंक ट्रांसफ़र्स है एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत निहायत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है और कॉल्स है वगैरह, तो कोई भी आपका जो व्हाट्सएप है वो यूज़ या ओपन नहीं कर पाएगा और कोई भी आपका जो मैसेजेस वो नहीं देख पाएगा कि भाई इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ज़रूर यूज़ कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि इमीडिएटली नीचे चार पाँच दशमलव, इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 5, 15 मिनट, आफ्टर 1 आवर, यानी आप इस व्हाट्सएप को इमीडिएटली लॉक करना चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब जाके यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इमीडिएटली पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं व्हाट्सएप में जाके आपको दिखा, देखो दोस्तों इमीडिएटली में क्या होता है कि आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन या अपनी व्हाट्सएप को क्लोज़ करते हो और दोबारा वहाँ पर आते हो तो क्या है, आपको आपसे वो अपनी फिंगर मांगेगा कि भाई फिंगर दे दो, ठीक है, तो इस तरह से अपने फिंगर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको मान लो आपने आपकी जो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं कुछ इस तरह चाहूँगा कि मैं अगर आऊँ तो ये लॉक ना हो जाए आफ्टर 15 या 20 मिनट या आधे घंटे बाद ये लॉक हो जाए, तो फिर आपको यहाँ से क्या करना होगा कि क्लिक करना होगा। एग्जांपल के तौर पे 15 मिनट मैंने क्लिक किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों साहब के सामने, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस आके ओपन करता हूँ, ये मुझसे कोई फिंगर नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस सेटिंग की वजह से मान लो आपने रात के वक्त अपनी व्हाट्सएप को यूज़ कर दिया और क्या हुआ कि आपको नींद आ गई, ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 15 मिनट लेट या 15 मिनट बाद क्या होगा लॉक होगा, अगर आप ऐसा चाहो। अगर आप सही नहीं सर, मैं रिकमेंड कर दूँगा कि आप इमीडिएटली क्लिक कर दो, ठीक है। इमीडिएटली क्यों खूब अच्छी है, क्योंकि जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को क्लोज़ करते हो दोबारा आके अगर आप ना हो, मान लो ये किसी और बंदे ने आपका मोबाइल उठा लिया और यहाँ पर आ गया, देखते हैं, देखो उसके सामने वो लॉक दिखाई देगा। तो दोस्तों नहायत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको यूज़ कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो नीचे अंगूठी की निशान है या फिंगर की जो निशान है, और लाइक की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नया है चैनल पे आप तो चैनल को भी नीचे सब्सक्राइब की बटन लिखी हुई है सुर्ख कलर में या रेड कलर में, रेड सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना, साथ में बेल की आइकन है या जो घंटी हम कहते हैं घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ हो इसके बाद आने वाली जो भी वीडियोज़ हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। तो